स्वागत आप सभी का मार्केट एम सीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी। सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे कम्युनिटी बाजार के बारे में, और कम्युनिटी बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता। रूपा जी स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। जी गुड मॉर्निंग रूपा जी। देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर थोड़े और नरमी के साथ ट्रेड होते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? ये जो मॉनिटरी पॉलिसी टाइट होने की बात कही जा रही है और ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि फिर से बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी हो ही जाएगी, तो उसका असर गोल्ड सिल्वर पर कैसा रहेगा? क्या गोल्ड की कीमतें इससे बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? देखिए अभी जो गोल्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट है, आप देखिए कि ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर लगातार वीकनेस के चलते आगे यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होनी है उसको लेकर जो है काफी जो है इंटरेस्ट रेट हाई को लेकर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इन्फ्लेशन हाई है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं, और इसका असर गोल्ड के ऊपर हम ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं कि प्राइजेस ऊपरी स्तरों से फिसल चुके हैं। अब यहां से बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मार्केट की लगती नहीं है कि गिरावट में जाती हुई दिखाई देगी। अभी फिलहाल के लिए लग रहा है कि यहां से ऑलरेडी न्यूज को कैश कर चुका है मार्केट, और $1800 तक अहम गिरावट जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है, और नेगेटिव अगर मार्केट जाता भी है तो $1800-$1780 मैक्सिमम डाउनसाइड एक बार हो सकता है कि गोल्ड का देखने को मिले, और वहां से अगेन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि अगेन आ सकता है। देखिए गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जरूर सेलिंग का बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि कभी भी इसमें बिकवाली ना की जाए। लंबे समय के लिए अगर आपका होरिजन है 1 साल का तो आप निचले स्तरों पर बाइंग कर सकते हैं। अब काफी अट्रैक्टिव लेवल आने वाले हैं, अगर 50,000 के नीचे गोल्ड लुढ़क जाता है डोमेस्टिक मार्केट में तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी क्रूड में देख रहे हैं कि क्रूड में यहाँ पे नरमी बनती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है ये जो क्रूड में यहाँ पर ये जो हल्की सी करेक्शन आई है क्या ये भी फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग की वजह से आई होगी? देखिए बिल्कुल अभी इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी जो है वो स्थितियां क्लियर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, लेकिन कितने बेसिस पॉइंट से हाइक होंगे अभी ये देखना बाकी है, और उसका ही असर है कि करेंसी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। और अभी आज के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा संभला भी है, चाहे वो सोना हो, कच्चा तेल हो, बेस मेटल्स हो, सब में आज हल्की खरीदारी हमें विदेशी बाजारों में देखने को मिल रही है, और डोमेस्टिक मार्केट भी थोड़े से रिकवर होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए फिलहाल क्रूड बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं है। क्रूड के अंदर अगर करेक्शन $118-$116 तक होती है तो वो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जिसमें भी अभी फिलहाल पॉजिटिव लग रही है क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, जिसके चलते कच्चा तेल तेजी में बना रह सकता है। करेंसी का इम्पैक्ट आता हुआ जरूर थोड़े समय के लिए दिख सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नीचे दिखाई नहीं देती। जी रूपा जी क्रूड में ये भी चर्चा है कि जितनी अभी सप्लाई क्रूड में हो रही है वो सफिशियंट नहीं है डिमांड के लिए, अभी जितनी डिमांड आ रही है, तो क्या लगता है क्या कहीं ना कहीं क्रूड को इस चीज का भी सपोर्ट रहेगा अगर वहां से मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट होने की वजह से क्रूड पर अगर कुछ इम्पैक्ट आता भी है तो? देखिए बिल्कुल सप्लाई और डिमांड का तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि मिसमैच देखने को मिला है, और सप्लाई काफी कम है, और बाकी जो ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा इससे भी काफी हद तक क्रूड की सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया, और जिसकी वजह से प्राइजेस जो है इतने तेजी में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहां से भी अभी मान रहे हैं कि हम $122 के बाद अगर WTI सस्टेन करता है तो $144 तक की तेजी आप मान सकते हैं कि मार्केट दिखला सकता है। तो हम काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है अगर करेक्शन भी आती है तो उस करेक्शन में अगेन बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है। जी रूपा जी बेस मेटल्स में क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में यहाँ पे बढ़त बनेगी? देखिए बेस मेटल भी अभी थोड़ा सा चाइना की तरफ से डिमांड जो है वो कम होती दिखाई दी है, जिसकी वजह से बेस मेटल भी निचले स्तरों पर ट्रेड करते दिखाई दिए, यानी कि ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं, चाहे वो कॉपर हो या फिर जिंक हो, इनमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी आज के लिए अगर देखा जाए तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन बेस मेटल ओवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बेस मेटल में भी बाइंग की होनी चाहिए। जिंक देखिए जो गिर रहा था 300 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से वापस से बाउंस बैक आया है, तो आज के लिए इंट्राडे में 318-320 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी नॉन एग्री में? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि जिंक जो है वो 316 तक जा सकता है, और 316 तक के ऊपरी लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी ये जो रूपा जी बात करें अगर एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज में खाद्य तेलों को लेकर कहीं ना कहीं फैसले आ भी रहे हैं कि अब इंडोनेशिया से जो पाम तेल की आपूर्ति सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ाई जाएगी, तो ऐसे में क्या लगता है?
क्या भारत में अब खाद्य तेलों के जो दाम है वो नरमी की ओर जाने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी यही डिस्कस किया था कि खाद्य तेलों में फिलहाल सोयाबीन को छोड़ दे तो बाकी सभी कमोडिटीज प्रेशर में ही दिखाई दे रही हैं और इसके अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि अभी जो है डिमांड अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है फैक्टर, जो कि डिमांड जो है अभी काफी कम है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी भी प्राइजेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां से गिरेंगे नहीं मार्केट तो तेजी भी बहुत ज्यादा बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब देखा जाए तो इम्पोर्ट भी घटते हुए दिखाई दिए हैं, पाम तेल का इम्पोर्ट अगर देखें तो 33% के आसपास घटा है, तो अभी जो है प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड में ही है, फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है रूपा जी, आपने कहा कि सोयाबीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी एडिबल ऑयल में गिरावट है, तो सोयाबीन में ऐसा क्या है जो सोयाबीन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? बात है प्रोडक्शन जो है काफी कम है और दूसरा यहाँ पर सोयाबीन की अभी डिमांड जो है वो अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड निकल सकती है यूएस की तरफ से, तो वहां पर एक जो पॉजिटिवनेस दिखाई देती है कि देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन थोड़ा सस्टेन रह सकता है ऊपरी स्तरों पर और बाकी अदर अगर ऑयल की बात करें तो वहां पर प्रेशर बना रह सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में देख रहे हैं एक बार फिर से बिनौला खल लोअर लेवल बाइंग से दिखाता नजर आ रहा है, जहां पे 2700 का लेवल देखा था 2800 के ऊपर है, तो क्या लगता है रूपा जी क्या बिनौला खल अब एक रेंज में ही रहने वाला है कि 2700 से नीचे नहीं और 3000 से ऊपर नहीं? देखिए 2700 आ सकता है नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि 2700 का स्तर देखने को मिल सकता है, 2700 से 3000 की आप रेंज कह सकते हैं, 3000 भी टच होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 2800 का स्तर फिलहाल बना रह सकता है, तो मुझे लगता है कि ये काफी सीमित दायरे में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, फिलहाल बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि गिरावट में लग रहा है कि मार्केट जा सकता है। जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ देखें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ नरमी की ओर जाता नजर आया है, तो ग्वार में क्या लग रहा है, क्या ग्वार में अभी कुछ और गिरावट आएगी? देख रहे हैं कि सीड तो यहाँ पे 5700 के लेवल पर है आज, लेकिन कल 5642 पर क्लोज हुआ है, वहीं पे देख रहे हैं कि ग्वार गम भी यहाँ पे निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है अब ग्वार कॉम्प्लेक्स अब ओवरऑल कैसा रहेगा? देखिए लोअर लेवल बाइंग जरूर देखने को मिली है एक करेक्शन के बाद और अभी थोड़ा सा बाजार एक बार फिर से सस्टेनेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर इस लेवल के अंदर, तो 5600 वाला जो लेवल था वो वहां पर बॉटम आउट हो चुका है और अब यहां से 5800 तक का स्तर संभव है कि एक बार मार्केट दिखला दे। जी रूपा जी, मसालों में क्या लगता है, मसालों में अभी कितने और समय तक की सीमित दायरा देखने को मिलेगा? देखिए मसालों में मुझे लगता है कि ये जून जून का मंथ जो है वो फिलहाल एक सीमित दायरे में रह सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेवल के ऊपर थोड़ा सा मार्केट जो है वो सुस्त है, तो अभी के लिए मसाले जो है वो खरीदारी बनाई जा सकती है, जब भी करेक्शन बनती है उसमें खरीदारी कीजिए, मुझे लगता है कि आगे चलकर इनमें तेजी का रुझान बन सकता है। ठीक है रूपा जी, क्या लग रहा है वीट में को देखकर, क्या वीट में अभी यहाँ से कुछ तेजी बन सकती है या फिर जो करंट लेवल्स हैं वही अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलते रहेंगे, क्या अभी आपकी तरफ से किसानों को क्या सलाह रहेगी? देखिए किसानों के लिए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी माल को अगर रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोक लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है प्राइसेस जो है वो ऊपर बूस्टअप कर सकते हैं, अगर देखिए एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो है थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अभी भी प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है पिछले साल के मुकाबले अच्छा प्राइस है, तो कुछ निकालना भी चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट खुलते हैं तो वापिस एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ठीक है रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए एग्री कमोडिटीज में आज इंट्राडे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार ग्वार थोड़ा सा बूस्टअप हो सकता है, ग्वार गम और ग्वार सीड, ग्वार जो है वो 11000 के ऊपर निकल सकता है 11100 से 200 और सीड जो है वो 5760 से लेकर 5780 की रेंज पकड़ सकता है, तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है, और अगेन हल्दी एज यूजल मुझे लगता है कि तेजी में है, तो हल्दी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 8000 के नीचे बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने के लिए।